सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सर। सर जैसा कि देखा गया है कि आप वार्ड नंबर 15 से सभासद पद का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, सर इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सुना है भाई साहब आपने, इस बार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और पूरी तैयारी है मेरी चुनाव लड़ने की। तो क्या मुद्दे होंगे आपके? हमारा मुद्दा ये रहेगा, हमारे नगर में, हमारे मोहल्ले में अभी तक एक शौचालय नहीं है, सुलभ कॉम्प्लेक्स जो कि होना आवश्यक है, और वो मेरा प्रथम मुद्दा रहेगा। अगले ट्रांसफार्मर अक्सर जल जाया करता है, विद्युत समस्या गर्मी में अक्सर बच जाती है, वो दूसरा मुद्दा मेरा रहेगा। और एक पार्क, बच्चों के लिए छोटा सा पार्क होना चाहिए, बच्चे आज मोबाइल में व्यस्त हो चुके हैं क्योंकि उनको खेलने का मैदान नहीं है, वो मैं चाहता हूँ कि खेलने का पार्क बने जिससे बच्चे जो है उनका मानसिक विकास हो सके। सर और क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि नगरवासियों, मेरे वार्डवासियों, इस बार मुझे एक बार अवसर दें, मैं आपका छोटा भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, मुझे भी आपने अभी तक 15 साल से किसी और को जिताते चले आए, एक बार हमें भी आप अवसर दें। अब मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ अलग करना चाहता हूँ, अब मैं ऐसा काम करूँगा कि आप वास्तव में सोचेंगे कि किसी ने कुछ आज तक हमें वो चीज़ नहीं दिया और तब जो हमें मिलना चाहिए था, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। सर जो आपने रुपेश कलवार लिखा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे बोर्ड पर? सही कहा आपने, इसके पीछे एक लॉजिक है भाई साहब कि हमारा प्राचीन जो है जाति जो है, तलवार का होता है दूसरा अर्थ होता है छत्री, हमारे वंश छत्री थे, वो तलवार चलाते थे। कालांतर में धीरे धीरे समय परिवर्तन हुआ, हमारे जो पूर्वज थे शास्त्र अर्जुन कहते हैं वो छत्री थे, वो राजा हुआ करते थे, उन्होंने परशुराम, भगवान परशुराम ने क्षत्रियों का 84 बार विनाश किया, उनके पर से इतने चले हैं कि क्षत्रियों का बहुत अधिक विनाश हुआ है। धीरे धीरे परिवर्तन हो करके हमारे पूर्वजों ने अपने नाम को परिवर्तन किया और जायसवाल व्यापार करना शुरू कर दिया, और उसी व्यापार को आगे बढ़ाते हुए आज हम जायसवाल में परिवर्तित हो गए हैं। तो हमें महसूस यह हुआ कि अगर हम जायसवाल हैं तो कभी तलवार भी थे, तलवार मतलब छत्री होता है, छत्री मतलब राजा होता है, तो वो अंदर हमारी भावना जाग गई कि मुझे समाज के राजा मतलब होता है समाज का हित का कार्य करे, वो अंदर मेरी भावना जाग गई कि वास्तव में मैं पूर्वज राजा थे तो मैं वैसा ही सेवा कार्य न करूँ, समाज की सेवा के मुझे आगे आना चाहिए, इसलिए मैं जो है इसलिए तलवार लिखवाया हूँ। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।